सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा सारयां दा। तुसीं वेख रहे हो सी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते तुहाडे नाल मैं अमृता गर्ग। सब तो पहला गल करांगे ट्रैक्टर परेड दी, जिस ते टकरा जा रही है 26 जनवरी नूं। एक पासे तां मुल्क गणराज दिहाड़े दीआं तैयारियां कर रहा है ते उत्थे ही मुल्क दा अन्नदाता राजधानी दिल्ली दी रिंग रोड ते ट्रैक्टर परेड दी तैयारी च है। किसानां दे इस ऐलान ते सरकारां ते पुलिस दी टेंशन वधी होई है। कारण इही है कि केंद्र तो लेके दिल्ली पुलिस तक हर कोई फिलहाल अलर्ट मोड च नजर आ रहा है, जिथे दिल्ली की सुरक्षा नूं लेके गृह मंत्री अमित शाह दी दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर ते अहम मीटिंग है। तो उत्थे ही दिल्ली पुलिस भी किसानों नूं मनाउण दी कोशिश कर रही है। सिंघू बॉर्डर ते दिल्ली पुलिस की भी किसान जथेबंदियां दे आगू दे नाल मीटिंग जारी है। इसे मामले ते ट्रैक्टर परेड नूं लेके केंद्र सरकार दी अर्जी ते भलके सुप्रीम कोर्ट च वी सुनवाई होनी है। हालांकि पिछली सुनवाई दौरान कोर्ट ने साफ कर दिता सी कि कानून व्यवस्था कायम रखना दिल्ली पुलिस दी जिम्मेवारी है। मुड़ तों इस मामले ते हुण कल सुनवाई होएगी। बहरहाल ट्रैक्टर मार्च नूं लेके सियासी समर्थन भी लगातार मिल रहा है। पंजाब सरकार किसानां दे नाल खड़े होण दा दावा कर रही है। अकाली दल भी 26 जनवरी दी इस ट्रैक्टर परेड नूं पूरा समर्थन देण दा ऐलान कर चुका है। सो ट्रैक्टर परेड ते इस वेले निगाहां सब दियां बरकरार ने। की सियासत, की सरकार, की पुलिस, की देश की जनता, हर कोई इस वेले यही जानना चाहुंदा है कि ट्रैक्टर परेड नूं लेके की कुछ फैसला सामने आएगा। हालांकि किसान साफ कर चुके ने कि रिंग रोड ते ट्रैक्टर परेड की जाएगी। एक पासे देश दा जवान होएगा जो 26 जनवरी नूं रैली ग्राउंड दे विच परेड कर रहा होएगा, ते दूजे पासे देश दा अन्नदाता रिंग रोड ते ट्रैक्टर परेड कढेगा। नालों नाल जय जवान जय किसान दा नारा भी इत्थे सार्थक हुंदा होया नजर आएगा। पर की इह मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि इस वेले सरकार ते दिल्ली पुलिस दी पूरी वाह लगी हुई है कि ट्रैक्टर परेड नूं किसे ना किसे हिले वसीले रोकिया जा सके। रुक करांगे ग्राउंड जीरो दा। साडे सहयोगी अनमोल गुलाटी लगातार मौजूद ने सिंघू बॉर्डर ते, किसानां दे नाल वी उन्होंने गलबात की। अनमोल, की मौजूदा स्थिति है दिल्ली पुलिस की मीटिंग सिंघू बॉर्डर ते जथेबंदियां दे नाल जारी है? जी बिल्कुल अमृता, जेकर गल की जाए करंट सनैरियो की, तो जिस तरीके किसानों वालों तो ऐलान अपना पक्का कर दिया गया कि ट्रैक्टर मार्च जिहड़ा कि ट्रैक्टर रैली जिहड़ी कि है वो उन्होंने वालों जरूर कढ़ी जाऊगी। परेड के रूप दे विच दिल्ली दे विच ट्रैक्टरां दे उत्ते तिरंगे ला के किसान जरूर निकलणगे। आउटर रिंग रोड जिहड़ी कि है उहदे उत्ते किसान नजर आणगे। लेकिन सरकार दी पुरजोर कितना कितने कोशिश है कि इस ट्रैक्टर रैली नूं जिहड़ा कि है कैंसल करवा दिता जाए, तो उहनूं लैके जिहड़ी कि मीटिंग हुण पुलिस ते किसान जथेबंदियां दे विच चल रही है। तुहानूं दसना चाहांगे इत्थे इस वक्त अलीपुर दे विच सिंघू बॉर्डर तो लगभग 4 किलोमीटर अगे अलीपुर दे विच इह मीटिंग जिहड़ी कि उह चल रही है। पुलिस दे आला अधिकारी ते अंदर कुछ किसान आगू अंदर मौजूद ने, किसान नेता मौजूद ने, जिन्हां दे विचकार मीटिंग चल रही है, डिस्कशन चल रही है। तो कोशिश की जा रही है साफ तौर पर पुलिस वालों कि इस मीटिंग नूं, इस रैली नूं जिहड़ा कि उह टाल दिता जाए। लेकिन जिहड़ा कि किसानां वालों साफ तौर पर रुख आही अपनाया गया। हालांकि अंदर तो सूत्रों के वालों यह भी खबर जरूर आई है कि कितना कितना रिक्वेस्ट की गई है पुलिस वालों के ईपीई ईस्टर्न परिफरल वालों जिहड़ा कि है ये डाइवर्ट की जाए अपनी ट्रैक्टर रैली नूं। लेकिन किसानों वालों साफ तौर पर कहा गया कि दिल्ली दे विच ही जाके गणतंत्र दिवस जिहड़ा कि है वो किसानों वालों मनाया जाऊगा। तो उस तो बाद जेकर गल की जाए किसानों की, तो उन्हों का ऐलान जिस तरीके पहला भी उन्होंने वालों कर दिया गया कि रैली जरूर कढ़ी जाऊगी, तो किसान आगू हजे भी अपनी गलते बने हुए हैं। इस वक्त अंदर बलबीर सिंह राजेवाल मौजूद ने, डल्लेवाल मौजूद ने, तो होर किसान आगू उन्होंने मौजूद ने, तो चर्चा की जा सकती है। लेकिन इस चर्चा तो बाद, इस मीटिंग तो बाद जरूर उम्मीद है कि कोई बड़ा ऐलान ट्रैक्टर रैली नूं, ट्रैक्टर मार्च नूं लैके किया जा सकता है। अनमोल, इत्थे दो सिनेरियोज ने, एक पासे गृह मंत्री दी दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर दे विच मीटिंग, दूजे पासे दिल्ली पुलिस दा सिंघू बॉर्डर ते पहुंच के मीटिंग करना। आपस दे विच यकीनन तार जुड़दे ने, क्योंकि इस वेले कंसर्न सिर्फ ते सिर्फ 26 तरीक दी परेड है। अजिहे दे विच की इन्फ्लुएंस दोवां मीटिंगां दा एक दूजे ते नजर आएगा, या नतीजिआं दा, मीटिंग दे जो नतीजे आउणगे, कि दोवें मीटिंग्स दे नतीजे आपस इक दूजे नूं इन्फ्लुएंस करदे नजर आउणगे? जी बिल्कुल अमृता, जिस तरीके नाल तुसीं मेंशन कीता दो मीटिंग्स चल रही ने, तो ये मीटिंग्स बिल्कुल पैरलल ने, इन्हां दा बिल्कुल डायरैक्ट रिलेशन एक दूजे दे नाल है। एक पासे गृह मंत्री दे वल्लों पुलिस नूं कितना कितना गाइडलाइनस दित्तियां गईआं ने,
किस तरीके इस ट्रैक्टर रैली को जो कि अवॉइड किया जा सकता है। दूजे पास कितना कितने पुलिस वालों अमित शाह के जो कि गृहमंत्री का मैसेज जो किसानों कितना कितने कन्वे किया जाऊगा कि जो कि रिक्वेस्ट जी उन्होंने वालों की जाऊगी ट्रैक्टर रैली को जो कि रोक दिता जाए या इस 26 तरीक न जी परेड है किसानों वालों की जाने वाली है वह ना की जाए। लेकिन किसानों का रुख जो कि बिल्कुल साफ है कि उन्होंने वालों ट्रैक्टर के उत्ते तिरंगे ला के 26 तरीक न जरूर देश दिल्ली के जाके गणतंत्र दिवस मनाया जाऊगा क्योंकि उन्होंने यह भी कहना है कि कितने कितने उन्होंने हक भी है कि अपना गणतंत्र दिवस जो कि किसानों वालों भी मनाया जाए। तो साफ तौर पर जेकर गल की जाए किसानों का यह भी कितना कितने कहना है कि गणतंत्र दिवस जिम्मे कि फौजी भी मनाते हैं फोर्सिज़ के लोग भी मनाते हैं तो फोर्सिज़ के जेकर गल की जाए पंजाब की तो पंजाब के लोग भी कितना कितने दिल्ली के बॉर्डर के उत्ते आके बैठे हुए हैं तो उन्होंने रुख साफ तौर पर आही है कि उन्होंने वालों भी गणतंत्र दिवस जोड़ा कि दिल्ली के जाके जरूर मनाया जाऊगा। तो नाल दे नाल एक कोशिश एक होर होगी कि दिल्ली के उत्ते कोई दबाव पाया जाए ताकि अपनी मंगा को लेकर जोड़ा कि है किसान इस वक्त दिल्ली के भी एंटर जरूर कर जी। अनमोल इत्थे किसान पहले ही साफ कर चुके ने कि परेड नूं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा शांतपुई तरीके दे नाल ही ट्रैक्टर परेड होएगी ते भी रिंग रोड ते होएगी आउटर रिंग रोड ते परेड की जाएगी। इस तो पहला जे पुलिस की गल की जाए या सरकार की गल की जाए दोवें ही कोर्ट दे विच अपना पक्ष रख चुके ने ते किसानां दी इस परेड नूं रोकण नूं लैके कह चुके ने कि इस परेड नूं रोकिया जाए। अजिहे दे विच किसानां दे हौसले कितें डगमगाउंदे नजर आउणगे या फिर हो सकदा है कि मीटिंग तो बाद कुछ इन्फ्लुएंस होण किसान इस परेड नूं लैके। जी बिल्कुल जेकर मीटिंग की गल की जाए तो कितने कितने किसानों इन्फ्लुएंस करने के लिए ही यह मीटिंग जी ऑर्गेनाइज की गई है रखी गई है। जेकर किसानों की गल की जाए हजे तक उन्हां दा फैसला बिल्कुल अटल नज़र आ रहा है कि उन्हां वालों साफ तौर पर कहा गया कि किसानों वालों जरूर दिल्ली के एंटर किया जाऊगा परेड अपने ट्रैक्टर्स के उत्ते की जाऊगी। हालांकि उन्होंने वालों साफ तौर पर कहा गया कि ते नाल दे नाल इस किसानी अंदोलन की यह पछाण बन चुकी है कि इन्ना वड्डा कोई अंदोलन होया होवे जिहदे विच किसी तरीके की कोई हिंसा ना की गई होवे इन्हां दी पछाण बन चुकी है। बिल्कुल शांतप्रिय तरीके शांतिप्रिय तरीके ये पूरी मूवमेंट इस वक्त चल रही है तो उही जिहड़ी की गल कई दोबारा कही गई है कि दिल्ली दे विच जरूर जाणगे लेकिन परेड दे नाल कोई छेड़छाड़ नहीं की जाऊगी किसी भी तरीके की हिंसा नहीं की जाऊगी। लेकिन जिहड़े इत्थे किसान मौजूद ने किसानों वालों परेड दिल्ली दे विच जरूर अपनी कढ़ी जाऊगी ट्रैक्टर मार्च अपनी जरूर कढ़ी जाऊगी तो उन्होंने वालों जिहड़ा की है साफ तौर पर केंद्र सरकार से दबाव बनाने की यह भी एक तरीके की कोशिश होगी। उधर दूजे पासे तस्वीरां भी सामने आ रही ने अनमोल गृहमंत्री अमित शाह पहुंच चुके ने दिल्ली पुलिस हैडक्वार्टर इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कुछ समय दे विच कर सकते हैं। फिलहाल गलबात जारी होएगी की लगता है कि सरकार वालों के जो दिशा निर्देश या फिर कहो जहा पुलिस वालों रिपोर्ट दी जाएगी तमाम तैयारियों को लेकर जो की गई है 26 तरीक को लेकर खास तौर पर। जी बिल्कुल जिस तरीके नाल मीटिंग सब तो पहला एक चल रही है गृहमंत्री दे नाल पुलिस दी उस तो बाद पुलिस दी मीटिंग किसानों दे नाल चल रही है कितना कितने साफ तौर पर यह नज़र आ रहा है। केंद्र सरकार ते किसानों दे विच पुलिस एक ब्रिज का काम जरूर करती नज़र आऊगी। इस वक्त जिहड़ा केंद्र सरकार का मैसेज होगा वह जरूर किसानों तक कन्वे किया जाऊगा किसानों नूं दस्या जाऊगा कि कुछ प्रॉब्लम्स जिहड़ी की है 26 तरीक नूं उन्हां दे एंटर करन ते आ सकदियां ने क्योंकि दिल्ली दे विच हाई सिक्योरिटी जोन घोषित कर दिता जाता है 26 तरीक या 15 अगस्त को क्योंकि परेड कढ़नी होंदी है तो हाई सिक्योरिटी लैके भारी पुलिस बल भी तैनात होंदा है पूरी दिल्ली दे विच आम लोगों को भी कितने कितने दिल्ली दे विच कुछ सड़कों के उत्ते खासकर एंटर करने की बिल्कुल मनाही होंदी है। तो किसानों जो कि है किसानों भी जो कि है जरूर कितने ना कि कोशिश तो की जाऊगी कि रोकया जाए या अज भी रिक्वेस्ट की जाऊगी मना किया जाए लेकिन किसानों का रुख देखना होगा। लेकिन साफ तौर पर जेकर पुलिस की भूमिका की गल की जाए तो इस वक्त ब्रिज का काम पुलिस जरूर किसानों के विचकार केंद्र सरकार के किसानों के विचकार बनती नजर आऊगी कि केंद्र सरकार का मैसेज जो कि है वह किसानों जरूर कन्वे किया जाऊगा। जाहिर तौर पर सांझी कड़ी है इस वे दिल्ली पुलिस वड्डी खबर भी दर्शकों को दस दिने दिल्ली पुलिस हैडक्वार्टर पहुंच चुके ने गृह मंत्री अमित शाह दी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के नाल मीटिंग शाम 5 बजे तक बैठक करेंगे गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली की सुरक्षा को लेकर मंथन किया जाएगा। सो यह वड्डी खबर दिल्ली पुलिस हैडक्वार्टर पहुंच चुके ने अमित शाह तस्वीर भी लगातार असी पहुंचदियां कर रहे हैं दर्शकों तक शाम 5 बजे तक बैठक करेंगे गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान मंथन होगा दिल्ली की सुरक्षा को लेकर शाह वालों मंथन किया जाएगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली पहुंच चुके ने ते दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच चुके ने जिथे उन्होंने वालों मंथन किया जाएगा दिल्ली की सुरक्षा को लेकर 26 तरीक की इस परेड को लेकर कि कुछ तैयारियां पुलिस वालों की गई ने क्योंकि 26 तरीक की परेड को लेकर अक्सर
पहला भी दिल्ली पुलिस वालों सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। इस बार कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात ने, क्योंकि एक पासे गणतंत्र दिहाड़े की यह रैली होएगी, ये परेड होएगी, तो दूजे पासे किसान के संघर्ष को लेकर ट्रैक्टर परेड भी नाल होनी है। सो इस लैके दिल्ली के इंतजाम कुछ खास इस बार 26 जनवरी के नजर आने वाले ने। यही कारण है कि इस बार काफ़ी माहौल भी जो है वो चिंताजनक भी है सरकारों के लिए। हालांकि किसानों वालों भरोसा दवाया गया कि शांतमई ही यह प्रदर्शन होएगा, शांतमई तरीके दे नाल रिंग रोड से उन्हां वालों ट्रैक्टर परेड किया जाएगा, पर कि ना कि इस रोकने लैके फिलहाल सरगर्मिया सख्तियां दोवें वधिया हुई नजर आ रही। दिल्ली पुलिस अधिकारियों के नाल अमित शाह की मीटिंग होनी है। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच चुके ने गृह मंत्री अमित शाह। इस मीटिंग दे विच मंथन किया जाएगा दिल्ली की सुरक्षा लैके, मंथन किया जाएगा आने वाली 26 तरीक की परेड को लैके, मंथन किया जाएगा उन्होंने तैयारियां जो किसानों को रोकने के लिए की गई ने। अमित शाह की दिल्ली के पुलिस अधिकारियों के नाल मीटिंग शाम 5 बजे तक दसी जा रही है। तो पुलिस हेडक्वार्टर अमित शाह ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तमाम चीज़ों का जायजा लिया जाएगा। राजधानी दिल्ली फिलहाल सेंसिटिव जोन है, क्योंकि 26 तरीक की परेड को लेकर वैसे ही बहुत सारिया तैयारियां की जानिया होंदिया ने। तो सुरक्षा के लिहाज नाल भी दिल्ली नू बिल्कुल सुरक्षित जोन बनाने के लिए भी एक वड्डी जिम्मेवारी दिल्ली पुलिस के मोढ़ियां ते हुंदी है। इतकी उस तो भी ज़्यादा वध के जिम्मेवारी दिल्ली पुलिस के मोढ़ियां ते है। किसान अंदोलन लैके भी एक वड्डी जिम्मेदारी, एक वड्डी भूमिका च दिल्ली पुलिस नजर आएगी। किसानी संघर्ष के नाल जुड़िया चार वड्डिया तस्वीर तुहानू विखाने। दिल्ली दीआं बरूहां ते किसान डटे ने 55वां दिन अज इस धरने दा, ते केंद्र नाल होण वाली मीटिंग रद्द हो चुकी है। 10वें गेड की वार्ता हुण 20 तरीक नूं दुपहर 2 बजे होएगी। तो इस मीटिंग दे विच फिर तो यही कोशिश होएगी कि अगला हल कढ़िया जा सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट वालों बनाई गई कमेटी की यह मीटिंग अज होनी है। तुहानू इह वी दस दईए 12 जनवरी नूं सुनवाई दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कानूनां ते अमल ते रोक लगा दी सी, ते जिस तो बाद 4 मैंबरी कमेटी बनाई गई सी। हालांकि भुपिंदर सिंह मान इस कमेटी तो वक्ख हो चुके ने। जाहिर है कि हुण 3 मैंबरी कमेटी इस मसले ते चर्चा करेगी ते मुकम्मल हल लभण दी कोशिश की जाएगी। 26 जनवरी नूं किसानां दी ट्रैक्टर परेड नूं लैके भी फिलहाल सरकारां भी एक्शन मोड दे विच ने, ते पुलिस भी। गृहमंत्री अमित शाह पुलिस हैडक्वार्टर ते अहम मीटिंग होनी है। ते वड्डी खबर इत्थे तुहानू दस दी, दिल्ली पुलिस दी किसान जथेबंदियां दे नाल मीटिंग खत्म हो चुकी है। सिंघू बॉर्डर ते मीटिंग जारी सी, दिल्ली पुलिस सिंघू बॉर्डर पहुंची सी किसानां दे नाल गलबात करन दे लई। इत्थे दिल्ली पुलिस दा यकीनन इक अहम रोल है, एक सांझी कड़ी है दिल्ली पुलिस इस वेले सरकार ते किसानां विचाले, क्योंकि दिल्ली पुलिस दे पाले दे विच सुप्रीम कोर्ट ने गेंद सिटी है 26 तरीक नूं लैके। सो वड्डी खबर, साडे सहयोगी अनमोल गुलाटी साडे नाल जुड़ चुके ने। अनमोल, की कुछ सूह मिल सकी है, क्योंकि इस वेले सांझी कड़ी दिल्ली पुलिस ही है, दिल्ली पुलिस दे पाले दे विच गेंद है, की मीटिंग दा सिट्टा की रहा? आ चुके ने प्यार नाल प्यार, आ तुसीं वेख सकदे हो इत्थे किसान आगू जिहड़े कि ने ओह मीटिंग तों बाहर आ गए। उन्हां नूं सिर्फ इन्ना ही दसणा सी, असीं कि रिंग रोड ते प्रोग्राम कर रहे आ अपना, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਾਡਾ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੀਸਫੁਲ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾਣਾ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ। ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਨਾ ਕਰਨ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਕਾਦੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਚਣਗੇ। राजेवाल साहब भी मौजूद ने, राजेवाल साहब
ਕੀ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਪਰੇਡ ਹੋਏਗੀ ਹੋਏਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਦੇਖਣਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀ ਰੂਟ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ 26 ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਆ ਫਿਰ ਪਰੇਡ ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸਰ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ किसान गणतंत्र दिवस परेड वो 26 तारीख को ही होगा, दिल्ली के अंदर होगा और शांतिपूर्ण तरीके से होगा। इसमें किसी किस्म की कोई किसानों को और भी साडे नाल मौजूद ने सर अंदर मीटिंग हुई तुहाडे वालों पूरा रूट मैप दस्या गया की पुलिस वालों रिक्वेस्ट की गई बिल्कुल भी कि तुसी अपनी ट्रैक्टर रैली ना कढ़ो या ट्रैक्टर की गिनती घट कर दो। देखो पुलिस वालों तो कहा ही गया कि जी है कि 26 तरीक में जी है सिक्योरिटी का इशू असं क्या भी पर साड़ी किसान परेड बहुत समय तो अभी अनाउंस की हुई है और एक इंच भी इधर उधर नहीं होगी साड़ी किसान परेड जी है तय आ और दिल्ली के बच्चे ही जी होगी इस करके यदा तो हल यही आ कि जी सरकार कानून रद्द कर दे नहीं तो किसान परेड तो होनी होनी हैगी रूट्स में लैके कोई डिस्प्यूट होया हो परेड भी होनी है उस तो बाद ट्रैक्टर रैली भी कटी जाऊगी उन्होंने लैके भी कोई डिस्प्यूट क्योंकि पूरी दिल्ली हाई सिक्योरिटी के काउंट होंगी है उस दिन नहीं देखो असं क्या कि जो गणतंत्र दिवस है इस देश के लोगों ने करना गण वास्ते ही आ लोग जो दिल्ली आवगे जोड़ा देश का किसान आ इस देश भुखमरी खत्म करता अनाज पैदा करता तो देश लिए सब तो इंपोर्टेंट तो किसान होना चाहिए ना तो किसान जो किसान परेड करता तो कोई अड़िका जो नहीं लगना चाहिए तो वालों की इनफॉर्मेशन दी गई है ट्रैक्टर अपनी मार्च में लैके रैली में लैके नहीं इनफॉर्मेशन तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले कह ही चुके हैं कि दिल्ली के अंदर किसान परेड होनी है और वह किसी भी हालत दिल्ली तो बाहर नहीं की जाऊगी किन्ने के ट्रैक्टर होंगे किन्ने बंदे मौजूद रहेंगे इस मार्च में ट्रैक्टर तो मतलब लखां की गिनती आएंगे तो करोड़ों लोग आएंगे बहुत बड़ी गिनती लोग आ रहे हैं। हाँ जी तो लगातार किसान आगू जो कि मीटिंग तो बाहर आए हैं तो इस मीटिंग की कुछ निकलिया सर लगातार जी मीटिंग काफ़ी जी लंबी चली है पुलिस के नाल चर्चावां जी की गई हैं डिस्प्यूट भी किसी तरीके का पुलिस के किसानों के होया कोई नहीं नहीं कोई डिस्प्यूट नहीं बड़े आराम नाल बड़े चंगे माहौल नाल गलबात तो की कुछ क्यों उन्होंने वालों फोर्स तो किया गया होगा तुहानू कि तुसी अपनी रैली जी कैंसल कर दो कोई फोर्स नहीं किया गया असीं बिल्कुल आपकी कोई रिक्वेस्ट उन्होंने वालों की गई नहीं उन्होंने रिक्वेस्ट की है भी उन्होंने आपकी प्लान दसी आपकी प्लान दसी वो भी सोचेंगे असीं सोचेंगे नेक्स्ट मीटिंग होएगी लेकिन यह गल फिर पक्की मनी जा सकती है कि 26 तरीक नूं रैली जरूर कढ़ी जाऊगी 26 तरीक रैली जरूर की जाएगी हर हालत दिल्ली च की जाएगी इस गल नूं क्लीयर कर ली गल हुणे आ भी किवें होनी आ कित्थे होनी आ किस तरह होनी आ साफ तौर पर जेकर गल की जाए किसानों वालों यह कहा जा रहा है कि रैली जी की है वह जरूर कटी जाऊगी तो 26 तरीक की यह रैली जी की है वह अटल होगी हालांकि मैप में लैके रोड मैप में लैके कितना कितने डिस्कशन जरूर की गई है जरूर पुलिस वालों रिक्वेस्ट भी की गई है कि जो कि रैली ना कटी जाए ट्रैक्टर रैली ना की जाए लेकिन जोड़ा कि है किसानों वालों जिमें कि पहला भी ऐलान कर दिया गया तो हूँ भी उन्होंने वालों साफ तौर पर दस दिया गया है कि जरूर जी कि रैली तो कटी जाऊगी रोड मैप में लैके कोई डिस्प्यूट नहीं होया होर जेकर गल की जाए किसानों की मीटिंग जी की सब तो वाला अपडेट आई है जी मीडिया एक्सक्लूसिवली असं दिखा रहे हैं कि मीटिंग जी खत्म हो चुकी है पुलिस के वालों रिक्वेस्ट की गई सी किसानों के जोड़ा कि है ये रैली ना कटी जाए ट्रैक्टर मार्च ना कटी जाए लेकिन किसानों ने पहले ही क्लीयर कर दिता सीगा तो हुण भी क्लीयर कर दिता गया कि जेकर किसानों की यह मार्च जी है ट्रैक्टर मार्च जी की है वह रद्द करवानी है तो वह सिर्फ एको तरीका है जेकर 26 तो पहला बिल रद्द हो जाते हैं तो ही किसान मनणगे इस तो अलावा जोड़ा कि बावजूद ये किसान नहीं मनणगे अपनी रैली जी की है वह जरूर इन्होंने वालों कटी जाऊगी। जी बिल्कुल अनमोल एक पासे की तस्वीर तो साफ हो गई है पर जो मीटिंग्स पैरेलल चल रही ने जाहिर तौर पर हजे तक कोई इन्फ्लुएंस उसका नहीं आया जाहिर पर चाहते सरकार ते दिल्ली पुलिस यही सी कि इसनू इस ट्रैक्टर परेड नू कितना ना कितने रोकया जा सके की लगता है हुण गृह मंत्री अमित शाह वालों की कुछ दिशा निर्देश दिल्ली पुलिस नू दिते जाणगे क्योंकि दिल्ली पुलिस की किसानों के नाल जो मीटिंग होनी सी ओह तां हो चुकी ते किसानों ने साफ कर दिता है कि असीं तां सिर्फ रूट मैप ही दसना सी ते दसना सी कि 26 तरीक का प्रोग्राम जो उलीकिया गया सी तो तां करके रहांगे अनमोल आवाज मिल पा रही है तुहानू जी जी अमृता जी जी अनमोल की लगता है हुण गृह मंत्री अमित शाह दी दिल्ली पुलिस नाल होण वाली जो मीटिंग है उसका कोई इन्फ्लुएंस पएगा 26 तरीक ते या नहीं क्योंकि किसान दिल्ली पुलिस नूं भी कह आए ने कि जो प्रोग्राम असी उलीकिया सी जो परेड असी तय कीती सी ओह दिल्ली च ही होएगी ते दिल्ली दे अंदर ही होएगी शांतमई ढंग नाल होएगी।
जी बिल्कुल, जिस तरीके पहला भी कहा कि एक ब्रिज का काम जरूर कितने ना कि पुलिस काम करती नजर आऊगी, कामन कड़ी जी की है वो बिल्कुल काम करती नजर आऊगी। और जेकर गल की तरह इस मीटिंग के बारे तो इस मीटिंग पहले ही किसानों ने क्लीयर कर दिता है कि उन्होंने वालों जरूर ये मीटिंग जी की जाऊगी। तो जिस तरीके गृह मंत्री के नाल जो मीटिंग हुई है वेद भी कितने ना कि पुलिस जो कुछ ऐलान किसानों वालों किया गया वो पुलिस वालों गृह मंत्री भी जरूर दर्शाया जाऊगा कि कुछ रुख सगा किसानों का, तो उस बाद जो कि है कुछ सरकार वालों भी रुख सामने आ सकता है। एक बार भी हम पीछे नहीं हटे, किसान आगू जिहड़े कने उन्हां नाल भी गलबात करांगे। और दिल्ली के भीतरी किसान सर किसानों, मेरा नाम रजिंदर सिंह दीप सिंह वाला, वाइस प्रेसिडेंट कीर्ति किसान यूनियन। रजिंदर जी, एक मीटिंग जिहड़ी कि गृह मंत्री दी भी हो रही है पुलिस दे नाल, तां उहदे विच लगदा कोई जिहड़ा कि है तुहाडे वल्लों जिहड़ी इनफॉर्मेशन दित्ती गई है वो जाके गृह मंत्री नूं भी दस्सी रहोगे, उहदे अकॉर्डिंग कुछ रोड मैप डिस्कस कीता जा सकदा? नहीं, इनफॉर्मेशन तां सर असीं और कोई इहो जी गल नहीं कि उहनां नूं दस्सणी सी, असीं तां पूरा अनाउंस कर चुके हैगे आ, जिहड़ा हैगा पहला ही असीं अनाउंस कर चुके हैं कि जिहड़ी रिंग रोड जिहड़ी दिल्ली दे अंदर जिहड़ी किसान परेड होनी है और उत्थे ही होगी, अज कोई नवीं गल नहीं सी। हाँ, साफ तौर पर जिवें कि पहला ही कहा गया कि दिल्ली दे विच कीती जाण वाली है परेड दिल्ली दे विच ही होगी, क्योंकि कितने ना कितने जरूर रिक्वेस्ट की गई होनी कि दिल्ली दे विच बॉर्डर्स दे विच एंटर ना किया जाए या फिर ये रैली जिहड़ी कि ना कटी जाए, लेकिन बावजूद इस दे साफ तौर पर किसानों का रुख जिहड़ा कि है वह बिल्कुल क्लीयर सीगा कि किसानों वालों ये रैली जरूर कटी जाऊगी। साफ तौर पर इनफॉर्मेशन हुण पुलिस नूं दे दित्ती गई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनमोल इस तमाम जानकारी के लिए ते इस अपडेट के लिए।